जबलपुर जिला अदालत ने दुराचार का आरोप लगाकर युवकों से अवैध वसूली करने वाली आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी किरण मलिक ने कोर्ट में ओमती पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जांच कर रिपोर्ट पेश करें। यह मामला बहुचर्चित हनी ट्रैप गैंग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इसकी सरगना महिला ने जबलपुर के अलावा कई शहरों के युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अवैध वसूली की थी। इसके पहले भी महिला के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज हुआ था। माननीय न्यायालय से हमें एक आदेश प्राप्त हुआ 156(3) के तहत, तो हमने एक युवती के खिलाफ 386, 389, 452 और 427 का एक प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। अब युवती के बारे में तो अभी विवेचना के दौरान आएगा। इस युवती के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, तो हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया है। जबलपुर के तिलहरी स्थित विजन महल होटल के किचन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं स्विमिंग पूल में नहा रहे कुछ लोगों ने सबसे पहले आग को देखा और इसकी सूचना होटल के मैनेजर को दी। आग लगने से जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोग बाहर जाए स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तो होटल में देखें तीसरे फ्लोर में आग लगी हुई है, धुएं उठ रहे थे, तो फिर हम लोग होटल वाले को इन्फॉर्म किए, रूम में जितने आदमी थे उनको बाहर किए। अफरा तफरी का माहौल हो गया, सब बाहर आ गए खड़े हैं इस समय। हाँ, सब सुरक्षित है, कोई अभी घटना नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ है, बाकी ये है कि स्टाफ आए थे, स्टाफ को जल्दी पता पड़ा, स्टाफ आए और हम लोग सबको सुरक्षित बाहर निकाले। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। यह प्लांट सांची दुग्ध संघ के 7 एकड़ की जमीन पर बनकर तैयार होगा। सीओ निधि राजपूत ने बताया कि परियत नदी में आसपास की डेयरियों का गोबर बहाया जाता है, जिस कारण से नदी भी दूषित हो रही है। इस नदी को बचाने के लिए सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा और वहीं की डेयरियों का गोबर इस प्लांट में गैस बनाने के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ये जो प्लांट है, ये अपना जो महाराजपुर चौराहा है उससे जब हम पनागढ़ की ओर जाते हैं तो राइट साइड में सांची दुग्ध संघ की ज़मीन है, करीब 7 एकड़ की ज़मीन है जिस पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। और इसमें इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो परियट नदी में गोबर मिलता है डेयरी, वहाँ कई डेयरियाँ हैं उनके कारण, उस गोबर का उपयोग इस प्लांट में किया जाएगा और इससे बायो सीएनजी गैस बनाई जाएगी। इसमें पर डे करीब 2400 kg की गैस बनेगी, सीएनजी गैस बनेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये एनवायरो केयर ने लिया है, जो इसका 7 साल मेंटेनेंस भी करेगा। तो ये महाकौशल क्षेत्र का पहला बायो सीएनजी प्लांट होगा। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र में स्थित हड्डी गोदाम मैदान की लड़ाई लड़ रहे मोहम्मद सब्बीर ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जहां पीड़ित युवक ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हड्डी गोदाम मैदान लगभग 3.5 एकड़ का है, जिससे कुरेशी समाज की लगभग 1.5 एकड़ जमीन है। बाकी जमीन शासकीय है, लेकिन कुरेशी समाज के लोग पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं कुरेशी समाज के लोगों ने सीमांकन के समय उस पर झूठे आरोप लगाते हुए उसे बांग्लादेशी बताकर उस पर पुलिस से कार्यवाही करवा दी गई। मेरे पास मेरी पूरी आईडी, मैं भारत का सम्मान्य नागरिक हूँ, मेरे पास मैंने सारी आईडी जो है हनुमानताल थाने में जमा भी कर दी है, लेकिन अब मेरे को ये बोध जताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है। जब भी मैं मैदान के अंदर जाता हूँ यही बात करते हैं वो। इसकी वीडियो मैं आपको सामने चलाना भी चाहता हूँ, जिसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? अगर यही है, अगर मैं बांग्लादेशी हूँ, अगर इनके हिसाब से अगर मैं बांग्लादेशी हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट जांच किए जाएं और मेरे पर कार्रवाई की जाए। अगर मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ तो 3 दिन के अंदर इनके पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो 25 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, मैं उनके सामने आत्मदाह करूँगा और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आमिन कुरैसी, रियाज कुरैसी और बाबू आसिफ और हड्डी गोदाम का बहुत चर्चित सटोरिया अन्ना फारूक होगा। जबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरेला में खड़ी यह एम्बुलेंस ड्राइवर और पेट्रोल के अभाव में लोगों को अपनी सेवा नहीं दे पा रही है। पिछले वर्ष इस स्वास्थ्य केंद्र को इस एम्बुलेंस की सौगात सांसद विवेक तंखा द्वारा दी गई थी। वैसे तो मरीजों और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में इस एम्बुलेंस की अहम भूमिका होती है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि हमने सीएमएचओ को पत्र लिखा है, इसमें ड्राइवर और पेट्रोल की व्यवस्था कैसे की जाए। वहां से आदेश आते ही एम्बुलेंस की सेवा
जरूरतमंदों को मिलने लगेगी। जो एम्बुलेंस हमें प्रदान की गई थी विगत वर्ष, उसको चलाने के लिए जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए हमने हमारे उच्च अधिकारी को लेख किया था कि हमें इसके चलाने के लिए ड्राइवर की उपलब्धता, पेट्रोल की कमी कैसे हम करें, मतलब सभी चीज़ें। तो हमने उसके लिए एक लिखित में हमारे जो उच्च अधिकारी हैं CMHO उनको लेख किया था हमने। वहाँ से अभी हमें दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसमें यही समस्या है कि ड्राइवर नहीं है अभी, तो ड्राइवर यहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरेला में, और पेट्रोल कहाँ से उसमें डलाया जाए और क्या उसके नियम हैं उसको चलाने के लिए। तो जैसे ही हमें वो प्राप्त होते हैं कि इन नियमों के तहत उसको चलाया जाए, ड्राइवर की उपलब्धता कराई जाए, तो एम्बुलेंस सुचारू रूप से चालू होगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा पुलिस ने बताया कि विगत 5 वर्ष पूर्व पुलिस द्वारा अवैध रूप से रेत का निर्वहन कर रहे एक डंपर को जब्त किया गया था, लेकिन उसका संचालक तेंदुखेड़ा दमोह निवासी विक्की उर्फ जयंत गोस्वामी पिता शिव शंकर गोस्वामी मौके से फरार हो गया था। पुलिस द्वारा उसकी जगह जगह तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। वहीं विगत दिनों पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार आरोपी विक्की तेंदुखेड़ा स्थित अपने घर में रह रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 5 वर्ष पहले एक अवैध रॉयल्टी वाले डंपर को पकड़ा गया था, उसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था तथा गाड़ी जब्त कर ली गई थी, तभी से वो निरंतर फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी हेतु 4,000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। उसको पकड़ा जाकर और उसको न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया है।